गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग बेटा रिविजन्स कर रहे हैं, राइटिंग स्किल्स की रिविजन्स कर चुके हैं। चैप्टर्स शुरू किए हुए हैं हमने, दो चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं। आज हम कविता की दोहराई करने जा रहे हैं, एक फूल की चाह, जो कि सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। किसी को याद है इस कविता में हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है मुझे? हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। ओके हाँ जी योग। मैम सिया रामचरण गुप्ता नहीं है? सिया राम शरण गुप्त, गुप्ता नहीं है, गुप्त। सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण ठीक गुप्त है, जी के भाई, सिया राम शरण गुप्त। ओके मैम इस कविता में हमने पढ़ा पढ़ा है कि एक लड़की है जिसका नाम सुखिया है, और उसके और वो एक महामारी का दौर चल रहा है जहां पर वो रहती है। उसके गांव में महामारी का दौर चल रहा है, और उसके पिताजी उसे ये कहते हैं कि तुम मत खेलो बाहर जाके, अपनी सखियों के साथ मत खेलो, पर वो फिर भी खेलती है। और कुछ दिनों बाद वो बहुत बीमार होने लग जाती है, और उसका बदन कांपने लगता है, और फिर वो अपने पिताजी से एक फूल की चाह करती है। फिर उसके पिता जो देवी माँ के प्रसाद में मिलने वाले फूल की चाह करती है, जो पर्वत पर एक मंदिर है, वहां पर उसके पिताजी फूल लेने जाते हैं। और जैसे ही वो फूल लेने जाते हैं तो वो पहले देवी माँ के दर्शन कर प्रसाद ले भी लेते हैं, पर जाते जाते मंदिर में कई लोगों को पता लग जाता है कि ये दूसरी जात का आदमी है। ओके फिर उन्हें दंडित किया जाता है और न्यायालाप में डाल दिया जाता है। जब वो 1 हफ्ते बाद न्यायालाप की सजा भुगतने आते न्यायालय हैं तो न्यायालय न्यायालय की सजा भुगतने आते हैं तो वो अपनी बेटी की अर्थी देख बेटी बेटी की समाधि देखते हैं। ओके वेरी गुड योग, गुड। जब आप लोगों को इस कविता के प्रश्न पूछे गए थे पेपर में, तो आप लोगों ने कुछ गलतियां की थी, जिसमें से एक गलती मैं अभी आपको बता देती हूँ। जैसे आपको प्रश्न पूछा गया था कि मंदिर कहाँ स्थित था, कुछ लोगों ने लिखा मंदिर पहाड़ में स्थित था। पहाड़ में नहीं था, पहाड़ के शिखर पर था। अगर आपने लिख दिया पहाड़ में, तो वो गलत हो गया, मे नहीं है, पहाड़ के शिखर पर था। इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं जो इस कविता में हैं, जिनका हमें ध्यान रखना है। अगर आप उनका उत्तर गलत लिखते हैं, तो एक नंबर वाले प्रश्न गलत हो जाते हैं। कई बार 2 नंबर का प्रश्न ऐसा होता है जिसमें 1-1 मार्क के क्वेश्चंस को मिक्स करके आपसे पूछा जाता है। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं लिखते हैं, तो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। ओके बहुत ही ध्यान से कविता को सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। किसी को कविता शुरू करने से पहले कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नो ओके चलिए शुरू करने जा रहे हैं। किताब अपने पास रखिए, पेंसिल रखिए, पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो पहला पैराग्राफ है कविता का, उसमें बेटा बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसको हम ऑन द होल समझेंगे, इस पैराग्राफ को। ओके उद्वेलित कर अश्रु राशियां, अश्रु का मतलब होता है आंसू, अश्रु राशियां मतलब आंसुओं का लगातार बहते जाना। हृदय चिताएं धधकाकर, हृदय मतलब मन, चिताएं मतलब चिता, हृदय की चिताओं को धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। महामारी को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कोरोना महामारी के दौर से हम लोग अभी तक गुजर रहे हैं।
अभी भी समस्याएं हैं। नो डाउट कि हम लोग अब पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं, हमें पता है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है, छोटी सी भी प्रॉब्लम आए तो कैसे उससे निपटना है। लेकिन जब ये महामारी शुरू हुई थी तो सब लोग घबरा गए थे। हमने टेलीविजन में या अन्य सोर्सेज के माध्यम से हमने ये जाना था कि किस तरह से दुनिया के हर कोने में इस महामारी से लोग परेशान हुए, किस तरह से लोगों की मृत्यु हुई, उन्हें इलाज प्रॉपर नहीं मिल रहा था, लोगों की मृत्यु तक भी हमने देखी। और हमने बहुत ही ऐसे सीन देखे, ऐसे दृश्य देखे, अस्पतालों में लाशें पड़ी हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हुई उन्हें अपने घर के लोगों ने भी अंतिम संस्कार का उन्हें भी मौका नहीं मिल पाया था, डॉक्टर्स ने ही उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इतना भय था इस बीमारी का, अभी भी है, और उस समय कुछ ज्यादा था। इसी तरह से यहाँ पर बात हो रही है कविता में कि एक महामारी फैल गई, उस महामारी के फैलने से सब लोग जो भी उसकी चपेट में आ रहे थे और जो उसकी चपेट में नहीं आ रहे थे सब, और रुदन क्रंदन मचा हुआ था, सब लोग रो रहे थे, और जो लोग उसके प्रकोप में आ गए और जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवार के लोग उनके लिए रुदन क्रंदन कर रहे थे, आंसुओं की धाराएं रुक नहीं रही थी और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। हाहाकार अपार, अशांत, सारा वातावरण अशांत था, हाहाकार मचा हुआ था। नेक्स्ट इज, बहुत रोकता था सुखिया को। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पंक्तियां कौन कह रहा है, कौन इसमें बता रहा है, आप लोगों ने लिखा कवि बता रहा है, यहाँ कवि नहीं बता रहा, सुखिया का पिता बता रहा है। पहली जो बात मैंने आपसे कही थी कि आप लोगों ने लिखा कि पहाड़ में मंदिर था, पहाड़ में नहीं था, पहाड़ पर था। दूसरी बात, यहाँ कवि ये बात नहीं बता रहा, बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, कवि नहीं बता रहा, सुखिया का पिता बता रहा है। सुखिया एक लड़की है, छोटी सी लड़की, और सुखिया का पिता उसे खेलने जाने से मना करता था। ओके, बहुत रोकता था सुखिया को, सुखिया का पिता कहता है कि मैं उसे बहुत रोकता था ना जा खेलने को बाहर, कि बेटा इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है तुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। लेकिन उसका खेलना नहीं रुकता था, उसका खेल जारी रहता था और वह एक पल भी रुकती नहीं थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे कहता, निहार मतलब देखना, प्यार से देखना, निहारना, कहता जब वो बाहर खेलने के लिए चली जाती थी तो मेरा हृदय डर जाता था और मैं उसे बाहर गई को देखकर बहुत ही प्यार से निहारता रहता था। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, और यही चाहता था कि ये जो महामारी फैली है मेरी बेटी उसकी चपेट में कभी ना आए और बस बच जाए। हम सब लोगों ने भी यही उपाय किया है ना कि हम बच जाएं, हम किसी तरह से महामारी की चपेट में ना आए। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा एहतियात नहीं बरती होगी या जाने अनजाने ऐसी चीजों को छू लिया होगा और उन्हें उस समस्या का सामना करना पड़ा, और सुखिया का पिता भी यही कहता है कि मैं यही चाहता था कि वो खेलने बाहर ना जाए, लेकिन वो मानती नहीं थी, बाहर चली जाती थी, और जब भी वो बाहर जाती मैं उसे निहारता रहता और उसे देखता रहता था और हमेशा यही मानता था कि इस महामारी से उसे बचा लो, मेरी बेटी को कुछ ना हो। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, कहते मेरे अंदर जो डर था, मेरे मन में जो डर था वही डर बाहर आ गया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, तनु
तनु मतलब शरीर, शरीर। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, ताप तप्त क्या का क्या अर्थ है? ताप तप्त मैंने पाया, ताप तप्त मतलब गरम, ताप तप्त बुखार से गर्म, ताप तप्त बुखार से गर्म। कहता है कि मैंने अपनी बेटी को बुखार से गर्म पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, ज्वर मतलब बुखार, विह्वल बेचैन, विह्वल मतलब बेचैन, ज्वर मतलब बुखार, बुखार। क्या जानू किस डर से मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर। कहता है मुझे नहीं पता कि उसे किस बात का डर था, लेकिन वह किसी डर से डर कर बोली कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तब आप लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सुखिया ने अपने पिता से क्या इच्छा रखी। पता नहीं क्या क्या आंसर्स लिखे आप लोगों ने। ये ऐसा नहीं है कि मंदिर से एक फूल लाकर दो, मंदिर का फूल लाकर दो। नो, उसने मांगा था कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला दो। उसने मंदिर का फूल नहीं मांगा था, उसने कहा था मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला दो। सुखिया ने अपने पिता से क्या मांगा? सुखिया ने अपने पिता से देवी के प्रसाद का एक फूल मांगा। देवी के मंदिर का फूल नहीं लिखोगे, देवी के प्रसाद का फूल मांगा। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। क्रमशः, क्रमशः मतलब धीरे धीरे, एक के बाद एक समस्या आती गई। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, कंठ मतलब गला, उसकी अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। कंठ क्षीण हो गया था, गला रुकने लगा था। शिथिल हुए अवयव सारे, अवयव मतलब अंग, शिथिल मतलब बेकार हो जाना, और धीरे धीरे उसके शरीर के सभी अंग शिथिल हो रहे थे, यानी कि बेकार हो रहे थे, उससे काम नहीं होता था, उठा नहीं जाता था। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। नव नव उपाय, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हमें जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, पेट दर्द होने लगता है, तो हम कई तरह के घरेलू उपचार करते हैं, है ना, नए नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे ठीक होगा। इसी तरह से वो कहता है बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। कहता मैं अपना मन मार कर बैठा था और चिंतित था, बहुत ज्यादा परेशान था, और उसे ठीक करने के नए नए उपाय ढूंढ रहा था। जान सकाना प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। प्रभात सजग मतलब सुबह, हुई अलस कब दोपहरी, और कब आलस भरी दोपहर हो गई। कहता है मैं इसी चिंता में बैठा रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया और सुबह से आलस भरी दोपहर कब हो गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। स्वर्ण घन, जब शाम का समय होता है, आप लोगों ने कभी देखा हो शाम को जब सूरज डूबता है तो आसमान पीला पीला सा हो जाता है ना, गोल्डन कलर का पीला सा हो जाता है, उसे कहते हैं स्वर्ण घन, सोने जैसे रंग के बादल। कहता है पता नहीं कब सुबह से आलस भरी दोपहर हो गई और न जाने कब स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, रवि मतलब सूर्य। कहता है पता नहीं कब पीले पीले बादलों में, सुनहरे बादलों में सूरज कब डूब गया, कब आई संध्या गहरी और कब शाम ढल गई। संध्या मतलब शाम, यानी कि सुबह से शाम हो गई, उसे पता ही नहीं चला। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। उसे सब और बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर मतलब अंधकार, ग्रसने मतलब खा लेने, ले जाने, तिमिर मतलब
अंधकार। एक छोटी सी बच्ची को ग्रसने, एक बस छोटी सी बच्ची को खा जाने, उसे ले जाने, ये कैसा अंधकार आ गया था। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। जैसे हमारी आंखों के आईबॉल्स, देखो आईबॉल्स में आपको व्हाइट व्हाइट से छोटा छोटा सा नजर आता है ना, है ना। वो कहता है जैसे ऊपर आकाश में विस्तृत, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, ऊपर बहुत बड़े आकाश में जैसे अंगारे जल रहे हों, तारे तारे होते हैं ना, तारों को बोला है अंगारे। झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। इसी तरह से वो कहता है मेरी आंखें झुलस रही थी, मुझसे अपनी बेटी की ऐसी अवस्था देखी नहीं जा रही थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर। सुस्थिर, स्थिर मतलब ठहराव, सुस्थिर बहुत ज्यादा ठहराव के साथ, जो कभी भी ठहरती नहीं थी, हमेशा उछल कूद करती रहती थी, टिकती नहीं थी। देख रहा था, कहता है कि मैं देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर। मेरी बेटी जो एक पल भी स्थिर होकर चुपचाप नहीं बैठती थी, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। अटल मतलब जिसे कभी खत्म ना किया जा सके, जिसे कभी टाला ना जा सके। कहते हैं मेरी बेटी जो एक पल भी टिक कर नहीं बैठती थी, अब वो कैसे चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। कभी ना खत्म होने वाली शांति को अपने में धारण किए वह चुपचाप पड़ी थी। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर। जब छोटा बच्चा होता है, निढाल सा हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो माँ उसे कैसे पूछती है ना, ये खाओगे वो खाओगे, है ना, तुम कुछ बोलो तो सही, कोई बात तो करो, पूछती है ना माँ ऐसे। तो कहता है कि मैं अपनी बेटी से यही बस उसे उकसा उकसा कर पूछना चाहता था, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कहता है उसने बस मुझसे इतनी बात कही थी कि मुझे एक फूल ला दो, देवी के प्रसाद का एक फूल ला दो, उसके बाद से वो कुछ नहीं बोली थी। कहता है ऐसी निढाल पड़ी थी, ऐसी चुपचाप पड़ी थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी, और मैं चाहता था वो बस मुझे दोबारा यही कह दे कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। अब इस पैराग्राफ में मंदिर की बात कर रहे हैं कि मंदिर कहाँ पर स्थित था। सुखिया का पिता मंदिर से माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए जाता है, और मंदिर का वर्णन किया है कि मंदिर कैसा था, वहां का वातावरण कैसा था। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। ऊंचे शैल शिखर पर, शैल मतलब पर्वत, ऊंचे पर्वत के शिखर पर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, बहुत बड़ा, बहुत जगह में फैला हुआ बहुत बड़ा मंदिर था। स्वर्ण कलश सर सज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। उसके ऊपर स्वर्ण कलश, सोने का कलश सजा हुआ था, और उस पर सूर्य की किरणें, रवि कर जाल, रवि मतलब सूरज, कर मतलब किरणें, जाल मतलब जाल, जिस पर सूरज की किरणों का जाल पड़ रहा था। एक कलश बना हुआ था जिस पर सूरज की किरणों का जाल पड़ रहा था, और उस जाल के कारण ऐसे लग रहा था जैसे कि वह सोने का कलश हो। दीप धूप से आमोदित था, आमोदित मतलब खुशबूदार। आप कभी मंदिर में जाएं तो आपको पता है वहां पर धूप अगरबत्ती दिए जल रहे होते हैं, जिसकी खुशबू सारे वातावरण में फैली होती है, और उस खुशबू से सारा वातावरण आमोदित हो जाता है। धूप दीप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। मंदिर के आंगन में दीप धूप जल रहे थे, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर तक उत्सव की आवाजें आ रही थी।
यहां तक सबको समझ में आया बेटा? शोमित थाम्बगर समझ में आया? बस तीन लोगों को समझ में आया, 21 में से 8 लोगों को 10, बाकी 11 कहां बैठे हैं? चलिए नेक्स्ट इज, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय। भक्त वृंद, भक्त वृंद, भक्त होता है एक वचन, एक भक्त, बहुत सारे भक्त अगर हो तो भक्त वृंद, बहुवचन, एक वचन है भक्त, बहुवचन है भक्त वृंद, बहुत सारे भक्त। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, मृदु मधुर कोमल और मीठे स्वर से गाते थे सब भक्ति मुदमय, भक्ति में लीन थे और गा रहे थे। पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय जय। पतित मतलब पापी, तारिणी मतलब तार देने वाली, पापी लोगों को तार देने वाली और सब पापों को हर लेने वाली, सब पापों को खत्म कर देने वाली माता तुम्हारी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही, मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। ढिकला मतलब धकेला गया, धकेला गया, कहते हैं कि वहां पर चलने की जरूरत ही नहीं थी, अपने आप ही धक्का लग लग कर आगे चल रहे थे। मेरे मुख से भी निकला, कहते हैं मेरे मुख से भी निकला पतित तारिणी तेरी जय जय जय। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला, कहते हैं कि बिना बढ़े मुझे चलने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। पता नहीं पीछे से कौन सा बल आया, पीछे से लोगों का थक्का आया और मैं आगे को बढ़ चला। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दू जाकर मैं। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, कहता है मैं भी प्रसाद लेकर गया, मैंने भी दीप फूल आदि लिए और मैं अम्बा को चढ़ाने के लिए लेकर गया। पुजारी ने मेरे हाथों से दीप फूल ले लिए और अम्बा को चढ़ा दिए, अर्पित करके चढ़ा दिए, माता को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब, पुजारी ने जब मुझे प्रसाद दिया आगे को अंजलि भर के। आगे को अंजलि, ये होती है अंजलि, अंजलि इससे हम ऐसे पानी भी पीते हैं, हम ऐसे प्रसाद भी लेते हैं, है ना। कहता है कि अंजलि भर के दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, कहता मैंने आगे अंजलि की और पुजारी ने मुझे प्रसाद दे दिया और उस प्रसाद में मुझे फूल मिला। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, कहता मैं उस बात को भूल गया, मुझे ऐसे लगा बहुत ज्यादा मुझे लाभ मिल गया, अब बस सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। कहता जैसे ही मैंने अपने हाथों में फूल देखे मैं सब कुछ भूल गया और मैंने यही सोचा अब मैं जल्दी से जाऊं और अपनी बेटी को माता के प्रसाद के ये फूल दे दूं। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सिंहपौर से आंगन तक। सिंहपौर मैंने आपको बताया था जो माता का मंदिर होता है उसका जो प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, उसे कहते हैं सिंहपौर। सिंहपौर से आंगन तक नहीं पहुंचने मैं पाया, कहता अभी सिंहपौर से आंगन तक नहीं आया था मैं, जो मेन मंदिर होता है माता का जो मंदिर है उसके दरवाजे से, सिंहपौर से उसके मुख्य द्वार से अभी तक मैं आंगन में नहीं पहुंच पाया था। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, कहते अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई और वो आवाज ये थी कि ये अछूत अंदर कैसे आया। पकड़ो देखो भाग ना जावे बिना धूर्त, ये है कैसा।
साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। कहता है कि सिंहपौर से मुख्य द्वार से अभी तक मैं आंगन तक नहीं पहुंचता था और किसी ने मुझे देख लिया और अचानक से मुझे यह आवाज सुनाई दी, ये अछूत कैसे अंदर आया। आपसे मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था, हमारी सोसाइटी में चार वर्ण बने हैं। जब ये चार वर्ण बनाए गए थे तो उसका मतलब था कि सोसाइटी बहुत स्मूथ चलनी चाहिए, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, लेकिन लोगों ने उसे कुछ और ही रूप दे दिया। छूत अछूत का, ऊंच नीच का, जाति पाति का भेदभाव लोग करने लगे, तो उसे अछूत कहा जाता है क्योंकि वह नीची जाति का था। तो लोगों ने कहना शुरू किया, ये अछूत भीतर कैसे आया, मंदिर के अंदर ये कैसे आ गया, कि मंदिर के अंदर इन लोगों को आने की इजाजत ही नहीं है, तो ये अंदर कैसे आया। बना धूर्त, यह है कैसा धूर्त, मतलब पापी, कैसा पापी बन गया है ये, इसने कैसे अंदर प्रवेश करने के बारे में सोचा। साफ स्वच्छ परिधान किया, परिधान मतलब पहरावा, भले मानुषों के जैसा। अब उसको लोग भला मानुष नहीं मानते, भला मनुष्य नहीं मानते क्योंकि वो नीची जाति का है, उसे अछूत मानते हैं और कहते हैं कि ये अच्छे लोगों की तरह, भले लोगों की तरह इसने कैसे साफ और सुंदर स्वच्छ कपड़े पहने हुए हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कि ये पापी है, ये मंदिर में घुस गया, इसने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित कर दी है, कलुषित मतलब अपवित्र कर दी है मंदिर की चिरकालिक, चिर मतलब बहुत, काल मतलब समय, बहुत समय से, लंबे समय से, शुचिता मतलब पवित्रता, मंदिर की जो इतने लंबे समय से पवित्रता बनी हुई थी, इतने पवित्र मंदिर को इसने कलुषित कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। है क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। बड़ा हैरान होता है, कहता देवी माँ की इतनी बड़ी गरिमा है, इतना गौरव है माँ का, तो मेरे मंदिर में प्रवेश करने से माता की गरिमा कम हो गई, उनका गौरव कम हो गया। किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी, मतलब माता की महिमा कम हो गई, माता का गौरव कम हो गया अगर मैं आ गया, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मैं माता से भी बड़ा हो गया हूं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मेरे मंदिर में आने से माता का गौरव कम हो गया, माता की गरिमा कम हो गई, ऐसा नहीं है। क्या किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी, माता की महिमा के भी आगे हो गया ये छूत अछूत। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, उनसे कहता है कि ये खोटा विचार है, बुरा विचार है तुम्हारे मन में। अगर तुम्हारे मन में ये बुरा विचार है तो तुम अपने आप को माता के भक्त कैसे कह सकते हो, तुम माता के भक्त नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर छूत अछूत को लेकर बुरे भाव हैं तो तुम खुद को माता का भक्त कैसे कह सकते हो। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, माँ के सामने तुम माँ का ही गौरव कम कर रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि मैंने मंदिर में प्रवेश किया, मैंने मंदिर की पवित्रता को खत्म कर दिया, माता की गरिमा को कम कर दिया। अरे तुम कैसे भक्त हो जो तुम्हारे मन में ऐसे विचार हैं और तुम माँ के सामने माँ का ही गौरव कम कर रहे हो। कुछ ना सुनो भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, उसे घेर कर पकड़ लिया और उसे मुक्के मारे घूंसे मारे मार पीट कर उसे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, कहता मेरे हाथों में जो प्रसाद था वो भी बिखर गया, जमीन पर गिर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब, हे मेरी बेटी तू तो बड़ी अभागी है, तेरी तो किस्मत ही बहुत खराब, इतनी मुश्किलों से मैं यहां तक पहुंचा था, प्रसाद भी लिया था और ये मैं तुम तक पहुंचा नहीं सकता, तुम तो बहुत अभागी हो, कैसे पहुंच सके ये अब। न्यायालय ले गए मुझे, वह अदालत में ले गए उसको, न्यायालय में ले गए, 7 दिवस का दंड विधान, 7 दिनों का उसे दंड दिया गया।
क्योंकि वह मंदिर में प्रवेश कर गया था और नीची जाति का व्यक्ति था, इसलिए उसे अछूत मानते हुए न्यायालय ने भी उसे 7 दिनों का दंड दे दिया। मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। कहते हैं मुझे 7 दिन का दंड मिला क्योंकि मैंने देवी का अपमान कर दिया था। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। कहता मैं चुप ही रहा और मैंने सिर को झुकाकर वो दंड स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह? कहता मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया था, इतना बड़ा दोष मुझ पर लगाया गया था, मैं उसका क्या उत्तर देता। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। कहता 7 दिन 7 सदियों जैसे थे। 7 दिन मैं उस जेल में रहा और वो 7 दिन ऐसे थे जैसे सदियां बीत गई हूं। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। रीती मतलब रुकी, अविश्राम बिना विश्राम किए बिना रुके मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन फिर भी आंखों से आंसू बहने रुके नहीं। 7 दिन लगातार बहने के बाद भी आंसू रुके नहीं। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर ना उठते थे घर को। 7 दिन बाद कहता है जब मैं दंड भोग कर जेल से छूटा तो मैं घर कैसे जाता, घर जाने को मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे। पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, भय जर्जर तनु पंजर, डर के मारे मेरा शरीर पंजर हो गया था, जर्जर हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे पीछे को कोई मुझे धकेल रहा है, ढेल रहा है, खींच रहा है कि तुम घर मत जाओ। पहले कीसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई है। तब मैं घर पहुंचा, जैसे मैं पहले घर जाता था, मेरी बेटी मुझे लेने के लिए आती थी, पापा 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 करती, पिताजी 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 करती, मुझसे लिपट जाती थी। पहले कीसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई है। कहता है जैसे मैं पहले घर जाता था और मेरी बेटी मुझसे लिपट जाती थी, मुझे लेने के लिए दरवाजे पर आ जाती थी, आज वो उस तरह से नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही हा अब की दीना दिखाई है। पहले जब मैं घर जाता था तो कभी कभी मुझे वह खेल में उलझी हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब वह मुझे दिखाई नहीं दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ। कहता मैं उसको देखने के लिए शमशान घाट पहुंचा। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जा, वो मर चुकी थी, और मेरे भाई बंधु उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। कहते हैं उसकी चिता की चिता भी बुझ चुकी थी, राख ठंडी हो चुकी थी और मेरी छाती उसको देखकर धधक उठी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, मेरी वो प्यारी सी कोमल सी बच्ची अब राख की ढेरी बन चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं। हाँ कहते आखिरी बात तुझे मैं गोद में नहीं ले सका और मैं माँ के प्रसाद का एक फूल भी तुझे ना दे सका। क्लियर बेटा? एनी डाउट्स? ओके, कल हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।